जय श्रीमन्नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 11 विश्वरूप संदर्शन योग श्लोक 26। अमी चत्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैव अवनिपाल संघैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रः तथासौ सहास्मदीयैः अपि योधमुख्यैः वूम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का विश्वरूप संदर्शन योग के शिक्षा देता है। इसी क्रम में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है, हे श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि सभी कौरव, कौरव सेना के समस्त राज समूह और इसके अलावा हमारे सेना के सभी वीर योद्धा, वे सभी आपके भयानक मुँह में प्रवेश करते हैं। हे श्री कृष्ण, वे सभी अपनी मृत्यु का प्राप्त करे के लिए और नष्ट होए के लिए आपके मुख में प्रवेश करता है। इस प्रकार अर्जुन विश्व रूप में जौन दृश्य देखता है उसके वर्णन करता है। आओ हम इस समझी कि श्री कृष्ण परमात्मा अपने ब्रह्मांडीय स्वरूप में धर्म के स्थापना के कार्य और पृथ्वी के बोझ उतारे के कार्य दिखावता है। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करके अपने जीवन का सार्थक बनावे का प्रयास करते हुए आओ हम अर्जुन के शब्दों का श्लोक के रूप में दोहरावे के प्रयास करें। अमी चत्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैव अवनिपाल संघैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रः तथासौ सहास्मदीयैः अपि योधमुख्यैः। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय असफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन्नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन्नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकं शरणं व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन्नारायण, हम केवल आपे शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन्नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में
आपे कहे मा शुचः। मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमार सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवद गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन आठ वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करें, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। अमी चत्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैव अवनिपाल संघैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रः तथासौ सहास्मदीयैः अपि योद्धमुख्यैः। वूम अमी चत्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैव अवनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रः तथासौ सहास्मदीयैः अपि योद्धमुख्यैः। जय श्रीमन्नारायण। सभी भक्तन से विशेष अनुरोध, हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन एक मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करने के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पर जाए के पंजीकरण में अपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम PDF तुरंत मिल जाए। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा, तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम का पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण का एक माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक ही लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।